नमस्कार दोस्तों, रेयांस चोयल में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में कलर्स टीवी के शो डांस दीवाने 3 में सेलेक्ट होने वाले नीमच के जुग्गी बस्ती के डांसर उदय को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन मज़े की बात तो यह है कि नीमच के उदय के अलावा भी ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो रहते हैं जुग्गी बस्ती में, लेकिन डांस के प्रति पक्के इरादों ने उंन्हें आज सुपर डांसर जैसे बड़े मंच तक ले आए। जी हाँ दोस्तों, उदय के साथ डांस वीडियो में दिखने वाले एकता कॉलोनी की जुग्गी बस्ती से 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है सुपर डांसर 4 के लिए, और इन्होंने डांस किया इंडियन आइडियल के मंच पर। बता दें कि इंटरनेट सेंसेशन रह चुके उदय के दोस्त अर्जुन चौहान और जावेद खान ने कुछ ऐसे टैलेंटेड को बढ़ावा दिया जो वाकई डांस के लिए बने हैं। उदय के बाद नीमच के इन बच्चों के लिए भी आ गया है सुपर डांसर से बुलावा और मिला एक बड़ा रियलिटी शो। इस तस्वीर से निकली 5 नन्ही सी बेटियां उर्वशी, सोफिया, अंजलि, सपना और पूजा का सिलेक्शन हुआ सुपर डांसर के लिए। जब इन 5 लड़कियों ने इंडियन आइडियल के मंच पर हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी के सामने डांस किया तो सब इनका डांस देखकर हैरान रह गए, और वहीं जज ने इन बच्चों के साथ डांस भी किया और उन्होंने भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के साथ भी खूब मस्ती की। तो नीमच की जुग्गी बस्ती से निकले सेलेक्ट बच्चे का डांस देखकर तो लगता है कि उदय के बाद इन बच्चों का डांस टैलेंट देश भर में नीमच का नाम रोशन करेगा। तो देखना ना भूलें नीमच के नन्हे से सितारों को सोनी टीवी के शो सुपर डांसर 4 पर परफॉर्म करते हुए जज शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और अनुराग बासु के सामने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी क्या कहना चाहते हैं जुग्गी झोपड़ी से निकली इन टैलेंटेड बच्चियों के बारे में, लिख दीजिए अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही सुपर डांसर चैप्टर 4 से जुड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेयांस चोयल को। धन्यवाद।